नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज फिर हम एक नई दवाई के साथ किस तरह से इस दवाई को सोचा जा सकता है, एक सोच के नए तरीके के साथ किस तरह से होम्योपैथी सोचना है, हम बस वही आपके अंदर सोच को डेवलप करने का एक प्रयास कर रहे हैं। बाकी दवाइयां तो आपको भी आती हैं, हमसे बहुत अच्छी आती हैं, बहुत सारे इंडिकेशन, सिम्टम सब कुछ आपको याद ही हैं, हम सिर्फ अपना अनुभव आपके साथ बांट रहे हैं। तो आज का हमारा जो दवाई है उसका नाम है सिलिसिया या सिलिका, जो भी बोल सकते हैं, द सर्जन्स नाइफ। इसका मतलब क्या सोचा होगा ना, पर सुना होगा ना, सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सिलिसिया इज सर्जन्स नाइफ, लिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, मार्क्स भी मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में क्या इफेक्ट मिलता है? कब मिलता है? जब जब पस देखना है तब तब सिलिसिया दे देना है, तो उसको सर्जन्स नाइफ बोलते हैं। क्या करेगा? फॉरेन बॉडी होगा तो सिलिसिया क्या करेगा, किस तरह से उसको बाहर निकालेगा? सिर्फ फॉरेन बॉडी होगा तो एक इंडिकेशन पे क्या सिलिसिया प्रिस्क्राइब किया जाता है? ऐसे प्रश्न होने चाहिए, हमें तो हुए ऐसे प्रश्न, और हम तो पूछे, अपने गुरु से भी पूछे, मालव सर हैं हमारे गुरु ही हैं, उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे, इस तरह के ही प्रश्न पूछते हैं, और आपको भी इस तरह के ही प्रश्न होने चाहिए। विद्यार्थी वही है जिसको प्रश्न हो, हमें विद्यार्थी ही चाहिए जिनको प्रश्न हो, और प्रश्नों के जवाब में से ही जो जवाब मिलेगा वो एक विद्यार्थी के लिए नहीं, सब आने वाली जनरेशंस के लिए वो जवाब रहेगा। उसी को हमारे शास्त्रों के अंदर उपनिषद की संज्ञा दी गई है। हमारा कर्तव्य ऐसा नहीं है कि हम भेड़ बकरियां पैदा करें, जो हम कहें वो फॉलो करती जाएं, नहीं, सवाल कीजिए, सवाल होना चाहिए। तो हमें भी ऐसे सवाल हुए और फिर हमें कुछ समझाया गया, उसके बाद हमें कुछ अनुभव मिला। क्या मिला सिलिका के अंदर अनुभव, देखते हैं क्या क्या इंडिकेशन है। तो सिलिसिया के इंडिकेशन में पहला इंडिकेशन आएगा चिली। चिली माने जिसको ठंड से दिक्कत बढ़ जाती हो, डॉक्टर साहब ठंड वर्षा बर्दाश्त नहीं होती है, तो सिलिसिया सोचना है। पेशेंट थस्ती हो तो सिलिसिया सोचना है, राइट साइडेड कंप्लेन हो तो सिलिसिया सोचना है। बस इन तीन इंडिकेशन पे हमारे पास एक मरीज आए थे इनग्रो टोनेल लेके, उनका राइट साइडेड लेग का टो था वो इनग्रो होता था और उसमें पस फॉर्मेशन होता था, थस्टी थे और चिली थे। हमने सिलिका प्रिस्क्राइब किया, 3 साल हो गए, आज तक फिर से पस फॉर्मेशन नहीं होता है। यस, इस तरह से सिलिका सोच सकते हैं, इस तरह से सिलिका दे सकते हैं। एवरी लिटल इंजरी सुपुरेट, डॉक्टर साहब थोड़ा भी लग जाए ना तो मेरे को पक जाता है, परु हो जाता है। ऑफेंसिव स्वेट, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, सब डिस्चार्ज ऑफेंसिव, उसका ऑटोरिया ऑफेंसिव, उसका इरप्शन में से डिस्चार्ज ऑफेंसिव, उसका पस ऑफेंसिव, उसका कोराइजा ऑफेंसिव, उसका स्पूटम ऑफेंसिव, ल्यूकोरिया ऑफेंसिव, मेंसिस ऑफेंसिव, स्टूल ऑफेंसिव, यूरिन ऑफेंसिव, ऑफेंसिवनेस कहीं, पस्पिरेशन भी ऑफेंसिव, ऑफेंसिवनेस कहीं भी मिले तो सिलिका सोचना है। आपके पास एक दिक्कत आई, राइट साइडेड साइटिका लेके आए, चिली है, थर्स्टी है और ऑफेंसिव स्वेट है, सोचिए सिलिका। जरूरी नहीं है कि केवल पस फॉर्मेशन में ही सिलिका देना है, साइटिका में भी सिलिका वर्क करता है। आपके पास एक मरीज आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब गला खराश है, दुख रहा है, आपने देखा कि पस्चुलर टॉन्सिलाइटिस क्विंसी हो चुका है, राइट साइडेड क्विंसी है, चिली पेशेंट है, थर्स्टी है और मुंह में से बास आ रहा है, ऑफेंसिव ब्रीथ, सिलिका दिया जा सकता है। इस तरह से सोचना है। आपके पास एएनसी में पेशेंट है एंटीनेटल केयर के अंदर और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत सफेद पानी आ रहा है लेकिन बहुत बास आता है, गंदा बास आ रहा है उसमें से, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बचपन से ही मैंने देखा है मुझे कुछ भी लग जाता है ना तो पक जाता है, पैसन चिली है, सिलिका सोचा जा सकता है, चाहे एएनसी क्यों ना हो। सोचना है, हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर रह के सोचना है और इस तरह से होम्योपैथी सोची जानी चाहिए, तभी हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा मकसद है, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी, वो पहुंच पाएगा। फिस्चुला, एब्सेस, कैरिस, पस, ये सब इंडिकेशन है सिलिका के। कहीं पे भी फिस्चुला हो, चाहे बोन का फिस्चुला हो, रेक्टम के अंदर फिस्चुला हो, एनल फिस्चुला, एब्सेस हो कहीं पे भी, तो भी सिलिका सोचा जा सकता है, लेकिन हर एब्सेस में सिलिका नहीं सोचा जाना चाहिए, एब्सेस के साथ दूसरे इंडिकेशन मिलने चाहिए, ठीक है।
कैरिस है, कहीं पे भी सड़ा हुआ होना चाहिए तो वहां पे भी सिलिका सोचा जा सकता है, कहीं पे भी पस है तो भी सिलिका सोचा जाना चाहिए, लेकिन पस मतलब सिलिका नहीं है, दूसरे इंडिकेशन भी मिलने चाहिए। ये हम साला भूल जाते हैं और वहीं से हमारा दिक्कत शुरू होता है। हम बोलते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं मिलेगा। आप होम्योपैथी के सिद्धांतों को छोड़ दिए तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर पस देख के आपके दिमाग के अंदर सिलिका आ गया या पस देख के आपके दिमाग के अंदर हेपारसल्फ आ गया तो यू बिकम अ प्रिज्यूडाइज। एपोरिज्म नंबर 6 का जो हमारा वीडियो है वो देख लीजिएगा। पस देखा वो ऑफेंसिव पस है, पेशेंट चिली है, थर्स्टी है और फिर आपके दिमाग में सिलिका आया, इसका मतलब आप अनप्रिज्यूडाइज। दोनों बात में सिलिका दिमाग में आता है, लेकिन कब आता है और कैसे आता है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिसाइड होएगा। एक बार कभी कभार रिजल्ट मिल भी सकता है इस तरह से, लेकिन हर बार नहीं मिलता है। हर बार कब मिलेगा? जब सिस्टेमिक तौर के ऊपर से आप मेडिसिन सोचेंगे, चाहे वो मेडिसिन सिलिसिया है, सल्फर आए, पल्सेटिला आए या कोई भी आए, लेकिन आपका सिस्टम वही रहेगा, आपके सिद्धांत वही रहेंगे, तभी रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सफलता मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सफलता को टिका रखना वो बहुत बड़ी बात है। प्रोफ्यूज स्वेट ऑन द हेड एट द नाइट, डॉक्टर साहब रात को सो जाता है इसका पूरा तकिया भीग जाता है, डॉक्टर साहब रात को पूरे मथे के अंदर बहुत स्वेट होता है और वो स्वेट कैसा होता है? ऑफेंसिव। ऑफेंसिव होता है तो दो इंडिकेशन सिलिका के मिलते हैं, नहीं होता है तो एक इंडिकेशन मिलता है। हर सिलिका के पेशेंट का पर्सपिरेशन ऑफेंसिव होना जरूरी नहीं है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम कुछ नया नहीं सिखाएंगे, पुराना वाला ही लेके आएंगे, लेकिन जो हमारे अंदर जो ऐसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट इम्प्लांट हो चुके हैं वो सब साफ सफाई करना है। हम तो होम्योपैथी की दुनिया में सफाई करने ही आए हैं कि जो भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं, जो भी मिसकॉन्सेप्ट हुए हैं हमसे, हमारी जो समझने में दिक्कत हो जाती है उसको निकालना। आप सब के अंदर एक अच्छा होम्योपैथ है, क्या है? जिस तरह से एक पत्थर के अंदर एक मूरत होता है उस तरह से आप सब के अंदर एक अच्छा होम्योपैथ है। चीज क्या है? जो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो चुके हैं उनको निकाल दो, पत्थर में से भी दूसरा मलबा निकाल दो तो मूरत अपने आप निकल आती है। उस तरह से ये सब रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके अंदर से निकल जाएंगे तो एक अच्छा द ग्रेट होम्योपैथ अपने आप बाहर निकल आएगा। माल न्यूट्रिशन, इमेसिएशन। माल न्यूट्रिशन है, इमेसिएशन है। अगर लीन थिन है, इमेसिएटेड है, खाता है फिर भी वजन नहीं बढ़ता है या तो वजन घटता जाता है, दोनों इमेसिएशन के अंदर लिया जा सकता है और वहां पे भी सिलिका सोचा जा सकता है। सेंसिटिव टू नॉइस, लाइट, टच, इट्स, कुछ भी हो, नॉइस से भी उसको स्वभाव चिड़चिड़ा होना चाहिए, हो जाता है। अगर सिर दर्द हो रहा है तो नॉइस से बढ़ जाता है, लाइट से बढ़ जाता है, उसको एब्सेस हुआ है, बॉइल हुआ है तो वो भी टच से उसको पेन ज्यादा होता है, तो इसको ले सकते हैं। सेंसिटिव टू नॉइस, लाइट एंड टच एक्सेट्रा। सपुरेशन ऑफ फुट स्वेट, कन्वल्जन, डलनेस ऑफ साइट, कैटराक, पैरालिसिस। सपरेशन ऑफ फुट स्वेट, फुट स्वेट का सपरेशन होगा किस तरह से होगा? चाहे ठंडे पानी से हो किया जाए, अत्तर से किया जाए, पाउडर से किया जाए, किसी भी तरह से जिसको फुट स्वेट ज्यादा होता है और उसको सप्रेस किया जाए कोई भी दवाई से या किसी भी तरह, चाहे वो दवाई कोई भी स्कूल की हो, कोई भी पैथी की हो सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कन्वल्जन डेवलप हो, डलनेस डेवलप हो, कैटराक डेवलप हो और पैरालिसिस डेवलप हो, कोई भी कंप्लेन अगर फुट स्वेट सप्रेस करने के बाद डेवलप हो तो भी सिलिसिया सोचा जा सकता है। अस्थमा फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया, वेरी गुड इंडिकेशन। आपके पास एक मरीज आया, डॉक्टर साहब बहुत अस्थमा है, मुझे बचपन से दिक्कत है, कोई भी होता है ना पक जाता है, तुरंत मुझे पस फॉर्मेशन हो जाता है। आपने देखा कि उसका पूरा पर्सपिरेशन ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव ब्रीद है, फिर वो आपको हिस्ट्री देता है कि मैं गया था मुंबई, अकेला था, बीवी को घर छोड़ के गया था और वहाँ मेरे से भूल हो गई, फिर थोड़ा वाइट डिस्चार्ज आने लगा था पेशाब की जगह से, उसका दवाई करवाएं वो तो ठीक हो गया लेकिन उसके बाद अस्थमा शुरू हुआ है, सीधा इंडिकेशन है सिलिका का। चार इंडिकेशन, पांच इंडिकेशन मिले उस अस्थमा में भी सिलिसिया वर्क करता है। जरूरी नहीं है कि सिलिसिया इज मेडिसिन फॉर पस एंड रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, नो। अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो सिलिसिया कार्सिनोमा के अंदर भी दिया जा सकता है, सिलिसिया इनफर्टिलिटी के अंदर भी दिया जा सकता है, इंडिकेशन मिलने चाहिए तो उस अस्थमा में भी सिलिका सोचा जाना चाहिए। ग्रेट वीकनेस एंड डेबिलिटी, वॉन्ट्स टू लाई डाउन, पूरा दिन थका हारा पड़ा रहना चाहता है। ड्रेड फेलर इन द एग्जामिनेशन, वेरी गुड इंडिकेशन। अभी अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, सबको बहुत ऐसा होता है मैं फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। जो अच्छी तैयारी करता है,
प्रिपरेशन बहुत अच्छी है फिर भी उसको फेलर का डर लगता है तो इट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ सिलिसिया। एग्जाम का बहुत फेल होने का डर लगता है, पूरा दिन थका हुआ रहता है और ऑफेंसिव परस्पिरेशन है, तीन इंडिकेशन मिले सिलिसिया सोचा जा सकता है। प्रोस्टोरिया वाइल स्टेनिंग फॉर द स्टूल, यस प्रोस्टेट डिस्चार्ज हो रहा है, जब स्टूल के लिए बैठता है ना तब दूध जैसा कुछ निकलता है पिशाब की जगह से, ऐसा इंडिकेशन मिले तो भी सिलिसिया सोचा जाना चाहिए। नाइट वॉकिंग, गेट्स अप वाइल अस्लीप, वॉक्स अबाउट एंड लाई डाउन अगेन, रात को चलने लगता है नींद में, थोड़ी देर बाद वापिस आके सो भी जाता है, उसको वो भी पता नहीं लगता। इनमें से कोई भी तीन चार पांच इंडिकेशन मिले सिलिसिया सोचा जाना चाहिए, चाहे कोई भी हो, पैथोलॉजी का नाम कोई भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। एपेटाइट, एक्सेसिव थर्स्ट, आइसक्रीम, आइस वाटर डिजायर, दूसरा मेडिसिन चिली बट आइस डिजायर, फॉस्फरस एंड ट्यूबरकुलाइनम, सो डिफरेंशिएट करना है फिर हमें इन सब मेडिसिन को। मीट एंड वार्म फूड एवर्जन, एवर्जन टू मदर्स मिल्क, चाइल्ड वॉमिट्स, अब छोटा बच्चा आपके पास लेके आते हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा भी दूध पिलाते हैं वॉमिट कर देता है, ठीक है और कुछ इसके अलावा? डॉक्टर साहब 3 महीने का हुआ है, दवाई शुरू ही शुरू है, बार बार सर्दी जुकाम हो जा रहा है और चाइल्ड एकदम इमेसिएटेड है, तीन इंडिकेशन मिले उस चाइल्ड के अंदर भी सिलिसिया सोचा जाना चाहिए, सिलिसिया दिया जा सकता है, ठीक है? इस तरह से सोचना है, हम लेक्चर को व्याख्यान को बने उतना छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोग देखें, एग्जाम्पल हम बहुत कम किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत के वीडियो 40 मिनट 50 मिनट एक एक घंटे के होते थे, वहां से हम इसको 20-25 मिनट के अंदर लेके रख दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके। तो आप हमें बताइएगा मैसेज करके किस तरह से पढ़ना आपको अच्छा लगता है, हम सिर्फ एग्जाम्पल कम किए जा रहे हैं, कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं है, लेकिन हमने सोचा कि अब भी 10-12-15 मेडिसिन हो चुकी तो आपके अंदर वो सोच डेवलप हो चुकी होगी कि किस तरह से सोचना है, इसीलिए अब वैसे एग्जाम्पल थोड़े कम दिए जा रहे हैं ताकि आप सबका भी टाइम सेव हो, क्योंकि सब प्रैक्टिशनर हैं, स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम चल रहा है, तो काफी कम लोग हैं जो रेगुलर देखते हैं, तो उनका तो एटलीस्ट टाइम सेव हो। एलिमेंट्स फ्रॉम, हम बहुत बातें करते हैं एलिमेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन सिलिसिया दो, एलिमेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन सिलिसिया दो, नहीं एलिमेंट्स आफ्टर वैक्सीनेशन बट बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, हर वैक्सीनेशन के बाद सिलिसिया इंडिकेट नहीं होता है, अगर बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन उससे कुछ बैड इफेक्ट आए हैं, मतलब पेशेंट को वैक्सीनेशन के बाद कन्वर्जन शुरू हुआ, ऑटिज्म शुरू हुआ, चाहे डायरिया शुरू हुआ, कुछ भी शुरू हुआ, इमेसिएटेड चाइल्ड है, उसको लिटल इंजरी सुपुरेटेड हो जाती है, उसको टेक कोल्ड का टेंडेंसी है और उसको कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा लगता है, तो सिलिसिया सोचा जाना चाहिए। उसको बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के बाद कोई भी दिक्कत शुरू हुआ है, लेकिन चाइल्ड का टट्टी एकदम ऑफेंसिव है और वो चाइल्ड चिली है, तो सिलिसिया सोचा जाना चाहिए। दूसरे भी बहुत सारे मेडिसिन हैं बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन के अंदर, बट सिलिसिया इज वन ऑफ देम। एलिमेंट्स आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, हमने फास्फोरस के अंदर भी ये देखा था कि ब्लड लॉस होता हो, हेमरेज होता हो, ब्लड डोनेशन किया हो, सेमिनाइल लॉस हुआ हो, चाहे ब्लीडिंग हुआ हो, डायरिया हुआ हो, वॉमिटिंग हुआ हो, किसी भी तरह से वाइटल फ्लूइड कम हुआ हो और उसके बाद से दिक्कतें शुरू हुई हैं, तो भी सिलिसिया सोचा जाना चाहिए। एक्सपोजर टू ड्राफ्ट ऑफ एयर, बाइक लेके निकले और ठंड लग गई, या तो छत पे थे और ठंडी का झोंका आया, किसी भी तरह से ड्राफ्ट ऑफ एयर लगे। सप्रेस्ड फुट स्वेट का हमने बात किया। आफ्टर इंजरी, हर बार इंजरी का केस आए तो हमें आर्निका, रस्टॉक्स, लेडम्पाल ये सब नहीं सोचना है, सिलिसिया भी सोची जानी चाहिए अगर इंजरी के बाद कोई दिक्कत है तो। स्टोन कटर विथ चेस्ट कंप्लेन, बहुत बढ़िया सिम्टम है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि स्टोन कटर्स विथ चेस्ट कंप्लेन, लेकिन जब आप इसको इंटरप्रेट करते हैं, हर बार हम एक नया इंटरप्रिटेशन आपके तक पहुंचाते हैं कि मटेरिया किस तरह से याद रखना है, किस तरह से इसको प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो ऑलवेज वेलकम, आप हमें मैसेज कर सकते हैं या अपने संयोजक को कह सकते हैं, हम उस तरह से प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। स्टोन कटर विथ चेस्ट कंप्लेन, कौन सा दिक्कत होगा स्टोन कटर्स को? सिलिकोसिस होगा ना, तो यहाँ पे होम्योपैथी के अंदर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स की बात की गई है, वो सिर्फ स्टोन कटर्स की बात नहीं है, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है कि जो छोटे छोटे रजकन या बाहर की चीज फेफड़ों के अंदर जाने के बाद दिक्कत शुरू होती है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो, अस्थमा हुआ हो, सीओपीडी हुआ हो, चाहे कोई भी ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज हुआ है, तो वो इंडिकेशन है सिलिका के लिए। हमने सिलिकोसिस
डिटेक्शन के बहुत सारे प्रोग्राम किए, उसी के अंदर ये पड़ा, तब हमें रिकॉल हुआ। सो सिलिकोसिस की बात नहीं है, बात है पूरे के पूरे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की, चाहे वो एस्बेस्टोसिस हो सकता है, या फार्मर्स लंग भी हो सकता है, चाहे सिलिकोसिस भी हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन ऑक्यूपेशनल लंग हैजर्ड है तो वो सिलिका के लिए इंडिकेशन है। फॉरेन बॉडी एम्बेडेड इन द टिश्यू, कहाँ पे भी टिश्यू के अंदर फॉरेन बॉडी देने के बाद अगर दिक्कत शुरू हुआ है तो सिलिका सोचा जाना चाहिए। ठीक है, न्यू मून फुल मून एग्रावेशन, अब ये आपको कहाँ मिलेगा? आप प्रैक्टिस करते हैं कौन सा वाला? आप जो प्रैक्टिस करते हैं एसाइलम की प्रैक्टिस है, जो मेंटल डिसीज के ऊपर का प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस के अंदर आपको न्यू मून फुल मून एग्रावेशन मिलेगा। जनरली पेन के अंदर या पस के अंदर या अस्थमा के अंदर शायद मिल सकता है, कन्वल्जन के अंदर भी कभी कभी मिलेगा, लेकिन न्यू मून फुल मून एग्रावेशन ज्यादातर साइकेट्रिक के केसों में मिलेगा, और वो भी असाइलम के अंदर, या तो जो भी रिलेटिव्स हैं पेशेंट के वो अगर बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं तो वहां पे भी मिल सकता है कि पूनम अमास के दौरान दिक्कत बढ़ जाती है। वॉशिंग एंड अनकवरिंग अल्कोहल एग्रावेशन, अगर अनकवरिंग एग्रावेशन है, वॉशिंग एग्रावेशन है, अल्कोहल एग्रावेशन है, आपके पास मरीज आएगा, डॉक्टर साहब सर्दी जुकाम लग जाता है, लेकिन जैसे ही इसका ओढ़ना खींचते हैं तो बुखार चढ़ जाता है, अनकवरिंग एग्रावेशन, छींके आने लगती है, अनकवरिंग एग्रावेशन। कोल्ड एयर ड्यूरिंग मेंसिस एग्रावेशन, अगर मेंसिस के दौरान कोल्ड एयर लगे, ड्राफ्ट ऑफ एयर से वैसे भी दिक्कत है, और अगर मेंसिस के दौरान है तो उस दौरान थोड़ी इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो वहां पे भी सोचा जा सकता है। मेंसिस ड्यूरिंग मेंसिस एग्रावेशन, कोल्ड एयर से एग्रावेशन है, ड्यूरिंग मेंसिस एग्रावेशन है, यहाँ पे कोमा होना चाहिए। सो मेंसिस के दौरान कोई भी दिक्कत बढ़ जाती है तो भी सिलिका सोचा जाना चाहिए, चाहे वो थायराइड हो सकता है, गोइटर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, चाहे डिसमेनोरिया हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन मेंसिस के दौरान बढ़ रहा है तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर सिलिका। यूरिनेशन एंड वार्म्थ अमेलियोरेशन, चिली पेशेंट है तो वाम से अमेलियोरेशन होगा, लेकिन यूरिनेशन अमेलियोरेशन, डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत हो रही है लेकिन पेशाब कराता हूं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा आराम मिल जाता है, सोचो सिलिसिया। स्टोन में भी सिलिसिया का इंडिकेशन है, अगर पेशाब जाने के बाद अच्छा लगे, अनकवर करने से उसका दर्द बढ़ जाता हो, चिली हो, थर्स्टी हो, उसका ऑफेंसिव पर्सपिरेशन हो और राइट साइडेड स्टोन हो, तो वहां पे लाइकोपोडियम नहीं, सिलिका भी इंडिकेटेड है। ठीक है, हमने दिया हुआ है इस इंडिकेशन के ऊपर, ये हमारे ही प्रैक्टिस के केस हैं, लेकिन दिन ब दिन अब आपकी सोच डेवलप जैसे जैसे होती जा रही है, हम एग्जाम्पल कम किए जा रहे हैं, सिर्फ अब तक कंटेंट पहुंचा रहे हैं। कवरिंग एमिलोरेशन, कवरिंग से अच्छा लगेगा, डॉक्टर साहब सिर से लेके पैर तक पूरा ओढ़ के सोते हैं, स्टूल हार्ड नोटी ड्राई रिमूव मैकेनिकली, अब सिलिका का कॉन्स्टिपेशन हार्ड है नोटी हो, मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि पैरालिसिस ऑफ द रेक्टम, सो उसको स्ट्रेनिंग ज्यादा करना पड़ेगा, तो सिलिका दिया जा सकता है। इंक्रीज मेंसिस विद पैरोक्सिस्मल ऑफ आईसी कोल्डनेस ओवर वॉल बॉडी, आईसी कोल्डनेस ऑफ वॉल बॉडी इज अ कॉन्कोमिटेंट फॉर सिलिका। दूसरा कौन सा दवाई है? कैम्फोरा वेरेट्रम, वेरी गुड। सो आईसी कोल्डनेस किसी भी दिक्कत के साथ मिले सिलिका सोचा जाना चाहिए, अस्थमा विद आईसी कोल्डनेस ऑफ बॉडी, कन्वल्जन विथ आईसी कोल्डनेस ऑफ बॉडी, डिप्रेशन विथ आईसी कोल्डनेस ऑफ बॉडी, डिसमेनोरिया विथ आईसी कोल्डनेस ऑफ बॉडी, मेट्रोरेजिया विथ आईसी कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, आईसी कोल्डनेस मिला तो सिलिका सोचना है। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम वजाइना एवरी टाइम चाइल्ड नर्सिस, अब जब आप इसको देखने जाएंगे तो कुछ भी प्रोजेस्टेरोन का प्रोलेक्टिन का आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, क्या रिलेशन है वो हमें नहीं मालूम है, प्रूविंग के दौरान और क्लिनिकल कंडीशन के अंदर हमें मिला है कि जब जब बच्चे को दूध पिलाती है माता तब तब वजाइना में से ब्लीडिंग होता है, तो सिलिका सोचा जाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसिस, सो बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसिस कोई भी दिक्कत होता है, चाहे कन्वल्जन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, पस हो, कुछ भी हो, चाहे बॉइल क्यों ना हो, सिलिका सोचा जाना चाहिए। एक्सट्रीम एक्सट्रोरेशन आफ्टर कॉइशन टेक्स अ वीक टू ओवरकम एंड वीकनेस, आप जब फैमिली फिजिशियन हैं तो आपके पास ऐसे केसेस भी आएंगे, डॉक्टर साहब हस्बैंड वाइफ साथ में मिलते हैं तो बहुत थक जाता हूँ, इतना थक जाता हूँ कि दोबारा साथ लेने के लिए मुझे 10-15 दिन लग जाते हैं, सेक्सुअल वीकनेस आ चुका है, डॉक्टर साहब इसका कोई दवाई होगा? अगर उसको पहले से टेक कोल्ड की टेंडेंसी है, आइसक्रीम बहुत पसंद है और बार बार पस हो जाता है, थिंक ऑफ सिलिसिया, हर बार वो सिलेनियम नहीं होता है,
बस हमें ये सोच डेवलप करनी है कि हम पर्टिकुलर कंडीशन के साथ कुछ मेडिसिन को फिक्स करके बैठे हैं, कुछ डायग्नोसिस के साथ कुछ मेडिसिन को फिक्स करके बैठे हैं, वो छोड़ना है हमें। मुक्ति का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। भगवान श्री कृष्ण वही कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है वो सब कुछ छोड़ो तो मुक्ति मिलेगी। तुमने जो भी गांठे बांध के रखी हैं कि सिलिसिया इज फॉर स्किन कम सल्फर इज फॉर स्किन कंप्लेन, सिलिसिया इज फॉर पस कंप्लेन, सिलेनियम इज फॉर सेक्सुअल वीकनेस, बेलाडोना इज फॉर टॉन्सिलाइटिस, सेपिया पल्सेटिला इज फॉर मेंस्ट्रुअल कंप्लेन, ग्लोनोइन इज फॉर हेडेक, फॉस्फरस इज फॉर ब्लीडिंग, ये जो आपके अंदर एक गांठे बन चुकी है, हमारे सबके अंदर, आपके नहीं मेरे अंदर भी वैसी है, बस इन सब से जो छुटकारा मिल जाए, इन सब से मुक्ति मिल जाए, वही मुक्ति का मार्ग है, वहीं से मोक्ष की शुरुआत होती है। उसी तरह जिंदगी के अंदर ये मेरा है, ये वैसा है, ये सच्चा है, ये गलत है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये सब हम गांठे बांध के रखते हैं, ये हमारी दुनिया बन जाती है, बस उसी में से मुक्ति मिले, वहीं से मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। तो होम्योपैथी आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं सिखाती है, होम्योपैथी आपको जिंदगी कैसे जीना है वो भी सिखाती है। हेडेक क्रॉनिक सिंस सम सीवियर इलनेस असेंडिंग फ्रॉम नेप ऑफ द नेक एंड वर्टेक्स एज इफ कम्बाइंग फ्रॉम द स्पाइन, पीछे से नेप ऑफ द नेक से शुरू होकर आगे तक अगर दुखावा होता है, और डॉक्टर साहब पहले बुखार हुआ था तब से रह गया है, खून की कमी हो गई थी तब से ये सिर दर्द रह गया है, पहले फलाना ऑपरेशन करवाया उसके बाद से सिर दर्द रह गया है, तो वहाँ पे भी सिलिका सोची जानी चाहिए। सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन फोर पार्ट ऑफ द टंग, जीभ के ऊपर लगता है कि शायद बाल रह गया है, ऐसा सेंसेशन होता है तो भी सिलिसिया सोचनी है। एनाल फिस्चुला विद चेस्ट कंप्लेंट, वेरी गुड इंडिकेशन, हाइपरटेंसिव पेशेंट है या तो एलवीएच के साथ पेशेंट आता है, चाहे ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज के साथ आता है और उसको एनाल फिस्चुला है, दूसरा कुछ चिली है, थर्स्टी है, वी कैन थिंक ऑफ सिलिका। इतना सिंपल है यार होम्योपैथी, पता नहीं लोग क्यों होम्योपैथी नहीं करते हैं। मेरा सबसे विनंती है यार, सब होम्योपैथी करें, आप चाहे दूसरा जो भी करें वो, लेकिन होम्योपैथी छोड़िए मत, इस तरह से सोचिए। ये हनीमैन का होम्योपैथी है, हम तो केवल पोस्टमैन हैं, हमारे अनुभव के अंदर हमें रिजल्ट मिले इसीलिए आपके तक पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं हम इस युग का कि ऐसा माध्यम हमारे पास है कि हम यहाँ पे गुजरात में भी कहीं पे बैठ के आपके तक ये सब पहुंचा रहे हैं। द कॉकिंग्स इज पेनफुल एज आफ्टर अ लॉन्ग कैरिज राइड, तो आपके पास कोई मरीज आता है, डॉक्टर साहब कमर दर्द है और आपने देखा कि कॉकिंग्स पे ही वो दिखा रहा है, हर रोज बाइक का राइडिंग करते हैं या कार में राइडिंग करते हैं, अब घोड़े सवारी और कैरेज राइडिंग नहीं होती है, अब बाइक के और कार में अंदर, कार में बहुत बैठना है, कुर्सी में बहुत बैठना पड़ता है और कॉकिंग्स पेनफुल है, तो वहां पे भी सिलिका सोचा जाना चाहिए। नॉक्चुनल एन्यूरोसिस इन चिल्ड्रन फ्रॉम वर्म्स, रात को बच्चा बेड के अंदर पिशाब कर जाता है और वम है, हर बार वम के अंदर सीना नहीं सोचना है, हमारी गलती वहीं पे होती है। कई लोगों को हमारे लेक्चर थोड़े कड़वे लगते हैं, उनको लगता है कि हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है, हमने भी यही भूल कर चुके हैं, आगे हमने उस भूल में से सीखा, आप ये भूल ना करें, इसीलिए आपको बार बार वम कर वार्निंग देते हैं कि ऐसी भूल ना करें, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं कि हनीमैन साहब ने हमें पोस्ट दिया है कि तुमने गलती की, दूसरों को वो गलती करने मत दो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, सीना वंश में नहीं दी जाती ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सीना हर बार नहीं होती है, सिलिका के सिम्टम मिलते हैं तो वंश के अंदर सिलिसिया भी सोचा जाना चाहिए। नोजिया ड्यूरिंग क्वाइटस, आपके पास आएंगे, डॉक्टर साहब देखो ना इसको, मेरी वाइफ को दिक्कत है, हम रात को जब साथ मिलते हैं तो इसको उल्टी उग के होने लगते हैं, बचपन से इसको कुछ भी लग जाए ना तो बहुत पस हो जाता है, पहले इसको राइट साइडेड ईयर में से भी पस निकलता था, एकदम ऑफेंसिव बास वाला, बस तीन चार इंडिकेशन मिल गए, सिलिका दीजिए, नोजिया कम हो जाएगा, बंदी हो जाएगा, और वो है रैशनल क्योर अकॉर्डिंग टू एपोरिज्म नंबर टू, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट, ये है लॉ ऑफ सिमिलिया। हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं, किसी को हमें हम किसी को क्रिटिसाइज भी करना नहीं चाहते हैं, जो भी होम्योपैथी करते हैं हम सब उनके साथ हैं। माइंड कैसा होना चाहिए, ये सब तो फिजिकल इंडिकेशन है, साला तीन इंडिकेशन हमको नहीं मिलेगा, इतने सारे इंडिकेशन में से हमें तीन इंडिकेशन याद नहीं रहेंगे, अपने अपने प्रोटोकॉल्स अपने हिसाब से बना लीजिए। ड्रीम्स ऑफ एनिमल बैटल्स,
लार्ज डॉग्स फॉलोइंग हिम अर्थक्वेक ऑफ एपिलेप्सी एंड गोस्ट, इसमें से कोई भी ड्रीम मिले चाहे क्यों मिले उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अगर मिलता है तो इंडिकेशन फॉर सिलिसिया। एक्सट्रीमिटी ऑफ टिमिडिटी इन द पब्लिक, पब्लिक में बहुत टिमिड है, दूसरे कहेंगे वैसा ही करेगा, शाय होएगा, बोल नहीं सकेगा, एग्जामिनेशन का तो फियर है, पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं कर पाएगा, स्टेज पे नहीं जा पाएगा। वॉन्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ग्रीट मोरल एंड फिजिकल, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तभी तो टिमिड है। एंजियस, येल्डिंग, स्ट्रिंग्स फ्रॉम द लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अटर लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको सब कुछ आता है लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन है इसीलिए टिमिड है, टिमिड है इसीलिए वो थोड़ी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो उसको एंजाइटी ज़्यादा हो जाएगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने तैयारी तो बरोबर की है कि नहीं की है, मेरे से होएगा कि नहीं होगा, अरे इतनी जवाबदारी है मेरे ऊपर, अब मैं क्या करूँगा, मेरे से नहीं होगा तो क्या करूँगा, मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा, लोग मेरे पे हंसेंगे इसीलिए मैं ये नहीं करता। इस तरह की सोच में से कुछ भी मिले, माइंड इस तरह से डेवलप होता है। और जब माइंड के अंदर लेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड है तो हम पूरे का पूरा घंटा घंटा एक एक माइंड के सिम्टम ऊपर व्याख्यान लेने को तैयार हैं, लेकिन डेडिकेटेड लोग चाहिए मित्रों। वो माइंड लेने का एक लेवल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपनी प्रैक्टिस में हम भी 90% मरीजों का माइंड कम लेने का ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल मास्किंग बहुत चल रहा है, लोग होते हैं कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, उसमें से हमें पकड़ना है कि ओरिजिनलिटी क्या है। सो फियर ऑफ एग्जामिनेशन फेलियर, ब्रेन फैग, कैन नॉट स्टैंड मेंटल एक्सर्शन, एग्जाम होती है, रात को जगते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, थक जाते हैं, तब भी सिलिका इंडिकेटेड है। ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद्दी है, तब भी सिलिका इंडिकेटेड है। कंप्लेंट फ्रॉम एंटीसिपेशन, यही बोला ना हमने, होएगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, इसमें से अगर दिक्कतें शुरू होती हैं तो भी सिलिका दिया जाना चाहिए। देखिए, टिमिड भी है, पब्लिक के अंदर टिमिड है, लेकिन पर्सनालिटी में ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी होएगा तो सिलिका सोचा जाना चाहिए। तो ये है सिलिका, इसमें से कोई भी 3, 4, 5, 6 इंडिकेशन मिले, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाइए और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए। होम्योपैथी ऐसा नहीं है कि एक रात में, एक दिन में, एक महीने के अंदर हमने सीख लिया, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, कुछ लोग हैं जो पॉलीफार्मेसी करते हैं, 3, 4, 5, 6 दवाइयां देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके भी साथ हैं, वो भी होम्योपैथी करते हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, 3 में से 2 में आइए, 2 में से 1 में आइए और फिर सिंगल मेडिसिन पे रहिए। कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं कि रिपीटेशन ज़्यादा करते हैं, हमें पूछते हैं कि किस तरह से दे, तो हम भी कहते हैं कि 30 TBD दो, फिर 200 BD दो, फिर 1 MBD दो। तो कई लोग हमें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस तरह से होम्योपैथी होती है, वॉट अबाउट मिनिमम डोज, होएगा मिनिमम डोज, 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, जिस तरह से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे हमें पता चलेगा कि कब कब कैसे कैसे रिपीट करना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें आज से होम्योपैथी करना ही बंद करना देना चाहिए। आइडियल को हम साथ में रेखे चलते हैं, हनीमैन ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं वो हमारे आइडियल हैं, उसके मुताबिक हम करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसके मुताबिक नहीं होगा तो हम क्या छोड़ नहीं देंगे, उससे नजदीक में नजदीक क्या है वो करेंगे। हनीमैन ने हमें वही कहा है कि गो विथ सिमिलिमम, कोई 10 सिम्टम लेके 1 सिमिलिमम के साथ जाएगा, कोई 5 सिम्टम लेके दूसरा सिमिलिमम के साथ जाएगा, दोनों का अपना अपना सिमिलिमम ही है, ठीक है, कोई बुरा बात नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। कई लोग जनरल प्रैक्टिस के साथ होम्योपैथी देते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, दीजिए, होम्योपैथी करना चाहिए। हम धीरे धीरे 5 साल क्यों ना लगे, 10 साल क्यों ना लगे, लेकिन 10 साल के बाद धीरे धीरे जो हनीमैन ने कहा है ना, उस आदर्श होम्योपैथी तक हमें सफर करना है, एक रात के अंदर नहीं हो जाएगा। हमारे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं है कि फूंक दिया और सब लोग होम्योपैथी करने लग गए। शुरुआत कीजिए, चाहे शुरुआत में आपको पॉलीफार्मेसी करना पड़े, शुरुआत में आपको रिपीटेशन ज्यादा देना पड़े, जनरल प्रैक्टिस के साथ भी दवाइयां देना पड़े, कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। जो लोग हमें गलत बोलते हैं वो जजमेंटल हो चुके हैं, वो सिर्फ चीजों को सही और गलत में डिफाइन करते हैं, नहीं होता है। हर बार सी अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर, बार बार पढ़िए, कुछ गलत नहीं है। कुछ लोग सर्टेन थॉट्स ऑफ स्कूल में जाते हैं, वो भी गलत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ फिजिकल लेते हैं, वो भी गलत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ पर्टिकुलर लेते हैं, वो भी गलत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ मेंटल लेते हैं, वो भी गलत नहीं है। सब लोग अपने अपने तरीके से होम्योपैथी करते हैं, लेकिन सबको जो आइडियल रखना है वो हनीमैन को रखना है।
आइडियल आदर्श यंत्र किसे बोलते हैं जिसमें 100% इनपुट टू 100% आउटपुट हो, लेकिन व्यवहार के अंदर ऐसा आदर्श यंत्र पॉसिबल नहीं है। लेकिन व्यवहारिक यंत्र किसे बोलते हैं कि 100% इनपुट के सामने 90, 95, 98, 80, 85, 82 ऐसा इनपुट दे तो हम सबका यंत्र अलग अलग होगा, लेकिन हमारा टारगेट है 100% आइडियल होम्योपैथी। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बने उतना नजदीक जाइए, 90, 95, 98, 80, 82, 85, 70, 75, 65, 60, 50, 10, 20 1% भी होम्योपैथी कीजिए ना आइडियल होम्योपैथी तो भी हमारा वो सक्सेस ही है। धन्यवाद। जय होम्योपैथी।